ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 फ्लोर्स जो बिल्डिंग होती है उतनी गहराई है इसकी, और बिल्कुल ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर भी। यहाँ पर लोग आने से डरते हैं क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है, जो लोग यहाँ पर मर चुके हैं उनकी रूह यहाँ पर भटकती है। इस कुएं में भी कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग इसके अंदर डूबकर मर चुके हैं। ये पूरी मस्जिद अंदर से काली है और यहाँ पर लोग कम ही आते हैं। ये 500 साल से भी पुराना, ये उस वक्त का ये लिखा गया। काफ़ी नैरो है ये स्टेयर्स, बहुत ही पतली सीढ़ी है यहाँ पर। कभी इसमें चिराग रोशन हुआ करता होगा, कभी यहाँ पर इमाम साहब खुतबा दिया करते होंगे, कभी यहाँ पर नमाज पढ़ाया करते होंगे वो। पर आज ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है, बिल्कुल वीरान। ना कोई नमाजी है, ना कोई इमाम नमाज पढ़ाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं रजा खान आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ दिल्ली के मेहरौली एरिया में, और अभी हम लोग मेहरौली के आर्कोलॉजिकल पार्क में हैं। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 500 साल से भी पुरानी बावली, और इसे अभी मैं चलकर दिखाऊंगा किस तरह से है ये बावली, और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर उससे लगी हुई एक मस्जिद और एक मकबरा भी है, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, अभी चलकर देखते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मेहरौली का आर्कोलॉजिकल पार्क है, और इस आर्कोलॉजिकल पार्क में आपको कई मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि करीब 1000 साल पुराने भी हैं। यहाँ पर लोदी के वक्त के हैं, मुगल के वक्त के, ममलुक डायनेस्टी के वक्त के। यहाँ पर कई मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कई यहाँ पर मकबरे हैं जिसके अंदर कई कब्रें हैं, मस्जिदें हैं, और यहाँ पर है राजों की बावली जिसे स्टेप वेल कहा जाता है। तो अभी मैं आपको वो राजों की बावली मैं दिखाऊंगा किस तरह से ये, और उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी लोदी के वक्त का ये मकबरा है, इसके अंदर कई कब्रें हैं, 500 से 600 साल पुराने यहाँ पर कब्र हैं कई। और उसी के सामने आपको ये दिखेगा राजों की बावली का कैंपस। तो अभी इसके अंदर हम लोग चलेंगे और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से है। यहाँ पर चारों तरफ आपको घना जंगल देखने को मिलेगा, हर तरफ जंगली जंगल। और इस बावली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं पहले, कई लोग इस बावली के अंदर डूबकर मर चुके हैं, कई ने खुदकुशी करी है। ये बावली करीब 4 से 5 मंजिला ये इसकी गहराई है। तो अभी चलते हैं इसके करीब, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एंटर करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये सामने है ये बावली, इसे राजों की बावली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है राजों की बावली का व्यू किस तरह से है। आप देखेंगे इसके दोनों साइड में यहाँ पर ये मेहराब शेप का ये डिज़ाइन बनाया गया है। ये एंट्रेंस गेट्स हैं कई, जो कि एक गैलरी है, और उसी साइड तरह से इसके राइट साइड में भी है। और सामने है ये बावली का पानी, जो कि करीब 500 साल से लेकर आज भी यहाँ इसके अंदर पानी मौजूद है। और ये बावली आपको देखने में बिल्कुल अभी समझ में नहीं आएगा कि कितनी गहराई है इसकी, पर इसकी गहराई ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 मंजिला इमारत के जितना इसकी गहराई है। बहुत ज़्यादा गहरा है ये, क्योंकि अभी इसका पानी ऊपर तक है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा देखने में कि इसकी गहराई कितनी है, पर ये काफ़ी गहरा है। ये 3 से 4 मंजिला इमारत के जितना इसकी गहराई है, और नीचे भी इसके बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन है नीचे का भी। और यहाँ पर आपको दोनों साइड में आपको इस तरह से गैलरी देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से गैलरी है। इसी तरह से इसके दूसरे साइड में भी है गैलरी, और सामने वहाँ पे स्टेयर्स थे, सामने वहाँ पे स्टेयर्स हैं जहाँ पर लोग बैठकर इसमें नहाया करते थे या पानी को इस्तेमाल के लिए निकाला करते थे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरफ भी यहाँ पर गैलरी बना हुआ है, और एक के बाद एक कई मेहराबे हैं यहाँ पर, जो इसे बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बना रहा है। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू, और यहाँ पर ये चिराग रोशन करने के लिए ताक बनाया गया है।
और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि इस बावली में कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग यहाँ पर डूबकर मर चुके हैं, कितनों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। ये बावली काफ़ी हॉन्टेड है, यहाँ पर शाम के वक्त रात के वक्त आना मना है, लोग आ नहीं सकते यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि इस बावली के नज़दीक जाने पर ये अपनी तरफ खींचने लगती है ये बावली, और लोग इसमें इसके नज़दीक जाते जाते इसके अंदर कोई छलांग लगा देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, पर ऐसा लोगों का कहना है कि ये बावली काफ़ी हॉन्टेड है, यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। और आप देखेंगे इस बावली के बिल्कुल आगे एंड पर यहाँ पर दो स्टेयर्स हैं, और उसी तरह से इस साइड में भी स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर आपको ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक गुंबद है एक मकबरे का, और उसके आगे एक मस्जिद है, वो ऊपर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो अभी उसके ऊपर चलकर दिखाएंगे आपको किस तरह से ये। तो इस बावली को 1506 में दौलत खान के द्वारा बनवाया गया था, जो कि लोधी डायनेस्टी के वक्त में वो एक गवर्नर हुआ करते थे। और इस बावली को बनाने के पीछे क्या मकसद था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अभी चलते हैं इसके ऊपर और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी नैरो है, ये स्टेयर्स बहुत ही पतली सीढ़ी है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत कोई मोटा अगर इंसान हो तो वो जा नहीं पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी नैरो है और बहुत ही हॉन्टेड लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग हैं नहीं ज़्यादा, यहाँ पर कम ही लोग आते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर और ये आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये अभी हम लोग इस तरफ से आए थे इस सीढ़ी के थ्रू, और ऊपर आने के बाद आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये है राजों की बावली, अभी हम लोग नीचे थे इस जगह पे, और यहाँ पर देखेंगे इस ये एक कुआं है, अभी इसके करीब भी हम लोग जाएंगे और आपको चलकर दिखाएंगे। और ये कुआं की मेन सोर्स है इस बावली के अंदर पानी आने का, इस कुएं से इस बावली में पानी आता है। तो अभी चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है ये कुआं और किस तरह से ये कनेक्टेड है इस बावली से। तो वहाँ जाने के लिए आपको यहीं यहाँ पर आपको एक और स्टेयर्स दिखेगा, ये आप देख सकते हैं इससे लगा हुआ। चलकर अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से, काफ़ी नैरो है और ये फिर ये रास्ता फिर वापस बावली की तरफ जाता है। और जिस तरफ से अभी इसके ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह से स्टेयर्स है, इधर से मैं आया था, और दूसरा स्टेयर्स है जो इधर कनेक्ट करता है इस कुएँ को। तो ये आप देख सकते हैं ये वो कुआँ है जहाँ से पानी इस बावली के अंदर जाता है। ये काफ़ी हॉन्टेड लग रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं में भी कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग इसके अंदर डूबकर मर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से है, अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, और ये अब नीचे आने के बाद इसका इस तरह का व्यू है। ये काफ़ी गहरा है ये कुआँ, ऐसा कहा जाता है कि ये कुआँ भी 3 से 4 मंजिला इमारत के जितना गहराई है इसकी, या उससे भी ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का व्यू है इसका। और ये अंदर यहाँ पे ये आर्चेज हैं, ये मेहराबें जो अब वक्त के साथ साथ टूट चुका है, और ये काफ़ी हॉन्टेड है यहाँ पर। यहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आने से डरते हैं, क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है, जो लोग यहाँ पर मर चुके हैं उनकी रूह यहाँ पर भटकती है, उनकी आत्मा भटकती है यहाँ पर। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा देर यहाँ पर रुकूंगा नहीं, और अभी चलते हैं बाहर और आपको मकबरा और मस्जिद जो इससे लगी हुई है। तो अभी चलते हैं वापस इधर, और
तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको एक मकबरा भी देखने को मिलेगा। ये मकबरा एक्चुअली में ये दौलत खान का मकबरा था, जो कि लोधी के वक्त में ये गवर्नर हुआ करते थे, जिन्होंने इस इधर जो अभी मैंने राजों की बावली दिखाया था इन्होंने ही बनवाया था इस राजों की बावली को। और ये जो मस्जिद है यहाँ पर, आपको एक मस्जिद भी दिखेगी, इस मस्जिद को भी इन्होंने ही बनवाया था, ये दौलत खान। ये आप देख सकते हैं, ये इनका ये कब्र है यहाँ पर, क्या हाल है इस कब्र का। और आप देखेंगे इस के गुंबद के अंदर आपको कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई दिखेंगी। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें इस पे लिखी हुई हैं। ये उस वक्त की कैलीग्राफी करी गई है, कितनी खूबसूरती से, ये आप देख सकते हैं। ये 500 साल से भी पुराना है, ये आप देख सकते हैं। और इसके नीचे इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है, ये छोटे छोटे मेहराब इसमें डिज़ाइन बनाए गए। और इसके सेंटर में भी आप देखेंगे, ये यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनाई गई है, ये नक्काशी करी गई है। और इसी तरह से इस गुंबद के चारों साइड में अंदर की तरफ कुरान शरीफ की ये आयतें लिखी हुई आपको दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। ये उनका मकबरा और उसी से लगी हुई ये खूबसूरत मस्जिद, जो कि अब वीरान पड़ी है। अभी चलते हैं इसके करीब और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से है ये। ये आप देख सकते हैं, इसमें कई एंट्रेंस गेट्स हैं बने हुए। इसमें तीन एंट्रेंस गेट्स हैं, एक दो और तीन, ये तीन एंट्रेंस गेट्स हैं। और इसके साइड में आपको यहाँ स्टेयर्स दिखेंगे, ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर चिराग जलाने के लिए ये बनाया गया था ये ताक। और यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनाया गया है, और इसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसके गेट के दोनों साइड में आपको ये सर्कल शेप में ये दिखेगा, इसके अंदर कलमा और या अल्लाह लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये चिराग जलाने के लिए बनाया गया था, और उसके दोनों एंड पर ऊपर आप देखेंगे अल्लाह लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं। और इसके दूसरे एंड पर भी ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। तो अभी चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और अंदर चलकर दिखाते हैं आपको किस तरह से ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद के अंदर का व्यू किस तरह से है। काफ़ी काली पड़ गई है ये मस्जिद, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी मस्जिद अंदर से काली है। और यहाँ पर लोग कम ही आते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है, ये हॉन्टेड प्लेस में से आता है इस मेहरौली एरिया में। ये आप देख सकते हैं अंदर का व्यू किस तरह का है, ये पूरी मस्जिद आपको काली देखने को मिलेगी। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसका किस तरह से इसमें डिज़ाइंस बनाए गए हैं, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है इसका। ये आप देखेंगे, ये दीवार में यहाँ पर ये मेहराब और यहाँ पर आपको ये कलमा लिखा हुआ दिखेगा। ये 500 साल से भी पुराना, ये उस वक्त का ये लिखा गया, यहाँ पर डिज़ाइन बनाए गए हैं। और यहाँ पर चिराग रोशन करने के लिए अंदर भी बनाया गया ये ताक। और ये आप देख सकते हैं इसका ये गुंबद के अंदर का व्यू किस तरह से इसमें एक फूल का डिज़ाइन बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर इस गुंबद के अंदर का भी व्यू देखिए आप, पूरा गुंबद आपको एकदम काला दिखेगा। ये पूरी मस्जिद अंदर से काली है, पूरी काली पड़ गई अंदर से, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, ये बिल्कुल सन्नाटा, यहाँ पर लोगों का आना बहुत ही कम है होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। और ये मस्जिद सदियों से वीरान पड़ी है, सदियों से वीरान, ना तो यहाँ
सदियों से अजां हुई और ना ही नमाज हुई। जब यहाँ पर नमाज और अजां होती होगी तो क्या मंजर होगा उस वक्त, ये आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पर इसका मेन पार्ट, ये मेन मेहराब है, किबला रुख। और यहाँ पर है ये मिंबर जहाँ पर इमाम साहब खुतबा दिया करते होंगे और इस जगह पर से नमाज पढ़ाया करते होंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का व्यू है इसका। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कुरान शरीफ की आयतें इस पे लिखी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके तीनों साइड आपको ये कुरान शरीफ की आयतें ये पत्थर को काट करके तराश करके इस तरह से लिखा गया है। उस वक्त की कैलीग्राफी कितनी खूबसूरती से करी गई है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए कितना बारीक डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पर पत्थर को काट करके। कभी इसमें चिराग रोशन हुआ करता होगा, कभी यहाँ पर इमाम साहब खुतबा दिया करते होंगे, कभी यहाँ पर नमाज पढ़ाया करते होंगे वो। पर आज ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है, बिल्कुल वीरान। ना कोई नमाजी है, ना कोई इमाम नमाज पढ़ाने के लिए। ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है नमाजियों के इंतज़ार में। अल्लाह करे ऐसी मस्जिदें जो भी वीरान पड़ी हैं, जो आबाद नहीं हैं, वो आबाद हो जाएं जल्द से जल्द। ऐसा हो जाए अल्लाह करे, इंशाअल्लाह आमीन। हम सब कोशिश करते हैं इसके लिए और दुआ करते हैं कि ऐसी मस्जिदें जो भी वीरान पड़ी हैं वो आबाद हो जाएं जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी बाहर, तो अभी चलते हैं, अभी चलकर आपको दिखाते हैं ऊपर से कैसा व्यू है इसका, किस तरह का। यहाँ पर ये स्टेयर्स है, ये पहले मैंने आपको दिखाया था, ये काफ़ी नैरो है, ये आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई बिल्कुल कम है। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर, इस मस्जिद के ऊपर। तो ऊपर आने के बाद इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा और आप देखेंगे चारों तरफ जंगली जंगल, घने जंगल के बीचों बीच है ये राजों की बावली और ये मस्जिद और ये मकबरा, ये आप देख सकते हैं चारों साइड का व्यू। सिर्फ आपको हरियाली दिखेगी, सिर्फ जंगली जंगल, ये आप देख सकते हैं इसके चारों साइड का व्यू किस तरह से। और ये अभी मैंने मकबरा दिखाया था आपको, ये उसका गुंबद है। और ये दूसरा रास्ता है इस मस्जिद के नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए, तो अभी इसके नीचे चलते हैं। काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसके, कभी आप लोग आएँ तो बहुत सावधानी से चढ़ें या उतरें। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, यहाँ पर भी इस तरह से बनाया गया है चिराग रोशन करने के लिए, इस ये ताक को यहाँ पर चिराग रोशन कराया जाता था ताकि इस सीढ़ी पर रोशनी रहे। तो ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद, ये मकबरा और इस तरफ ये राजों की बावली। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बावली क्यों बनाई गई थी। एक्चुअली में उस टाइम पर लोदी के वक्त में शायद सिकंदर लोदी या उनके वालिद बहलोल लोदी की हुकूमत थी, तो उस वक्त में यहाँ पर ये मस्जिद की तामीर करनी थी, इस मस्जिद को बनाना था। तो इसके लिए यहाँ पर पानी की ज़रूरत थी और यहाँ पर लोग रहा करते थे और यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी हुआ करती थी उस वक्त में, तो जिसकी वजह से इस बावली को बनाया गया। तो उस वक्त में जो गवर्नर थे दौलत खान, उन्होंने ये बावली को बनवाया और उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाया था और तभी उन्होंने इस बावली को बनवाया। तो ये आप देख सकते हैं ये वही कुआं था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, राजों की बावली जो इसका नाम है, राजों
का मतलब शायद ऐसा कहा जाता है कि उसका मतलब होता है मिस्त्री। तो जो लोग यहाँ पर मिस्त्री लोगों ने जो काम करा था तो उनके नाम पर ही ये बावली का नाम रख दिया गया, यानी कि राजों की बावली, यानी मिस्त्री ये लोगों की बावली जिन लोगों ने इसको बनाया था यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने को मिलता है कि यही रीज़न है इसका नाम राजों की बावली रखा गया। तो ये इसका पर्पस इस बावली का एक्चुअली में यही था कि इस मस्जिद को यहाँ पर बनाना था और यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे और जो यहाँ पर लोग रहा करते थे, इस जगह पर पानी की काफ़ी कमी हो गई थी और इस मस्जिद को बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इस बावली को दौलत खान ने बनवाया था, सबसे पहले इस बावली को बनवाया उन्होंने ताकि पानी की ज़रूरत पूरी हो सके और इस मस्जिद को इजीली बनाया जा सके। तो इसी का पानी इस्तेमाल करा गया था इस मस्जिद को बनाने के लिए और फिर बाद में लोग यहाँ पर आकर नहाया करते थे या अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से पानी लिया करते थे। और ये बावली काफ़ी गहरी है जैसा मैंने आपको बताया और सदियों से सालों साल हो गए, 5 साल से भी ज़्यादा इसका पानी सूखा नहीं, बल्कि आज भी आप देखेंगे इतनी गहरी ये बावली होने के बावजूद भी ये आज इसका पानी बिल्कुल ऊपर लेवल तक है। ये ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 फ्लोर्स जो बिल्डिंग होती है उतनी गहराई है इसकी और बिल्कुल ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर भी। ये सीढ़ी बिल्कुल नीचे तक जाती है हर फ्लोर तक, जब जब भी इसका पानी कम होता है तो आपको नीचे के फ्लोर्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये राजों की बावली, ये मस्जिद और ये मकबरा का व्यू किस तरह का है और इसके चारों साइड आपको जंगली जंगल देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह का व्यू है, ये मैरोली आर्कोलॉजिकल पार्क के बीचों बीच है हम लोग। ओके फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है और अभी मैंने आपको दिखाया ये राजों की बावली और ये खूबसूरत मस्जिद और ये मकबरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये देखकर जानकर अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नई जगह। तब तक अपना खास ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।